और ऊपर क्या होता है अंश, और नीचे है। तो अंश बटा हर कोई क्या कहा जाता है। देखो आपकी जो आप कैलकुलेशन करवाने वाला हूँ या आगे जो भी चैप्टर चलेंगे उनके अंदर बीच की जो प्रोसेस रहेगी उसे बहुत ही फास्ट करवा देगी। आपको जो मैथ में दिक्कत आती है ये जो आज छोटी छोटी स्टेप आएंगे उनकी वजह से दिक्कत आती है, और आज से आपको खूब सारा काम भी मिल जाएगा घर के लिए। जो लोग फ्री है ना बिल्कुल काम ही नहीं रहता, करें क्या, हम लाइफ में करना तो खूब चाहते हैं लेकिन कोई काम करवाता ही नहीं है, काम होता ही नहीं है घर में। तो आज देखो आपसे आपको खूब सारा काम मिलेगा, है ना। ध्यान देना अंश बटा क्या हो गया है, ऊपर तो हो गया चार और बटा में है पांच, बोलो भिन्न बोल दो कितनी आई चार, भिन्न कितनी आई चार, भिन्न बोलना भिन्न कितनी आई दो बटा तीन, अंश बोलिए दो, अरे बोलिए एक, एक और बताना बोलो भिन्न बोलिए ग्यारह बटा सत्रह, अंश बोलिए ग्यारह, अरे बोलिए सत्रह। अंश बटा हर कोई क्या कहा जाता है, अंश बटा हर को क्या कहते हैं, अरे समझ में सबको ठीक है। तो अब ध्यान देना आप आगे, योगी भिन्न अंश बटा है, देखो एक भिन्न होती है साधारण, ध्यान देना एक होती है साधारण भिन्न और एक होती है मिश्रित भिन्न। अब साधारण और मिश्रित भिन्न में फर्क क्या है ये समझना, एक होती है साधारण भिन्न एक होती है मिश्रित भिन्न। यदि सिर पे अंश बटा हर आए, यदि सिर पे अंश बटा हर आए तो भिन्न को साधारण भिन्न कहा जाता है, तो भिन्न को साधारण भिन्न कहा जाता है। यदि अंश बटा हर ही आए तो भिन्न को साधारण भिन्न कहा जाएगा। जैसे पांच बटा छह है, सब बोलो अंश कौन सा रहा है, हर कौन सा रहा है, यहाँ पर पांच बटा छह हो गई। और यदि यहाँ पर देखो चार बटा तीन आ गया, बोलो अंश कौन सा आया, हर कौन सा आया, दो बटा पांच आ गया, अंश बोलो दो, हर बोलो पांच। यदि अंश बटा हर के रूप में ही आता है, बोलो सभी अंश बटा हर के रूप में आता है, तो भिन्न क्या कहलाती है, साधारण भिन्न, तो भिन्न साधारण भिन्न कहलाएगी। सबकी क्लियर है यहाँ तक का, क्लियर है क्या। अब आगे नाम बोलो क्या लिखा हुआ है, अब समझना। देखो साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न में फर्क क्या है, मिश्रित भिन्न मिश्रण, मिश्रित मतलब मिश्रण, और मिश्रण क्या होता है जानते हो क्या, एक चीज का मिश्रण होता है, एक चीज का कि दो या दो से अधिक चीजों का, दो या फिर दो से अधिक चीजों के मिश्रण को ही, ध्यान देना दो या दो से अधिक चीजों को मिला दिया जाए, सुने ना, दो या दो से अधिक चीजों को मिला दिया जाए तो उसे ही मिश्रण कहा जाता है। इसी तरह से दो या दो से अधिक संख्याओं को, दो या दो से अधिक संख्याओं को मिला दिया जाए तो वो भिन्न क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न, बोलो क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न। अब ध्यान देना कैसे मिलाएंगे, जैसे चार है, अब चार में मिला दिया दो बटा तीन, सब बोलो चार में क्या मिला दिया, दो बटा तीन। अब बताना देखिए मैंने किस में किसको मिलाया, बताना किस में किसको मिलाया, एक और बताना देखिए मैंने आपकी बार किस में मिलाया है, चार में तीन बटा सात। ध्यान देना यहाँ पर पांच लीटर दूध रखा हुआ था, समझना पांच लीटर दूध रखा हुआ था और इधर रखा हुआ था दो लीटर पानी, ध्यान देना इधर पांच लीटर दूध रखा हुआ था इधर दो लीटर पानी, मैंने दोनों को मिला दिया, बोलो दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, दस 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 होगा क्या, कितना होगा, अंतर में ना दस करोगे, पांच लीटर दूध है और डेयरी में देने जा रहे हो दो लीटर पानी मिला ले जाओ फिर जाके बोलो दस हमारे पास तो आ रही हो, तो साथ ही क्यों बता रहे हैं, सात होगा कि दस होगा, ध्यान देना कोई चीज मैथ में से अलग नहीं होती है, जो डेली लाइफ में काम में लेते हैं अपन वही चीज मैथ है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है, ऐसे नहीं कि हाँ घर पे तो सात होता है सर लेकिन क्या पता मैथ में दस होता हूँ, ऐसे नहीं सोचना है ना, जो डेली लाइफ में अपन काम में लेते हैं वही चीज आपको बतानी है, जो आपको आता है पहले से वही चीज आपसे पूछता हूँ, ऐसे नहीं कि क्या पता मैथ में अलग होता होगा, मैथ में भी वही होता है जो आपको पता है और सबको आती है मैथ, बस आपको पता करना है कि हमें आती है कि नहीं आती, आती है तो क्या क्या आता है, बस ये चीजें पता करनी है, वरना आती सबको है, मैं बता रहा हूँ सबको आती है, मैं ध्यान देना बोलो पांच लीटर और दो लीटर, बोलो कितना लीटर है, सात लीटर, आपने जोड़ा कि गुणा किया, जोड़ा, मिलाया है तो आपने क्या किया है, जोड़ा, जोड़ने के लिए चिन्ह कौन सा लगाया, गुणा थोड़ी हो सकता था, अरे पांच लीटर में दो लीटर मिलाओगे तो पांच दूनी दस सही आएगा कि गलत आएगा, गलत, सही
सही कौन सा आएगा, 5 लीटर 2 लीटर कितना हो गया 7 लीटर, तो फिर प्लस का चिन्ह आएगा। अरे समझ में सभी को, ठीक है तो ध्यान देना। इसी तरह से आपको पता लग गया किसी चीज में कोई मिलाया जाता है तो गुणा किया जाता है कि प्लसिंग, किसी चीज में दूसरी चीज मिलाई जाती है तो गुणा की प्लसिंग, प्लस होता है ना। तो ध्यान देना, 4 में मिलाया, 4 में कौन मिलाया, 2/3 मिलाना मतलब गुणा की प्लसिंग, मिलाना मतलब गुणा की प्लसिंग। तो ध्यान देना, यदि मिलाने का मतलब प्लस होता है तो 4 में क्या मिलाया, 2/3 ढंग से, 2/3 बराबर 4 में कौन मिलाया, 2/3 और मिलाने का मतलब क्या होता है, प्लस, मिलाने का मतलब है प्लस। पहले कौन आएगा, 4, बाद में कौन आएगा, 2/3 और बीच में चिन्ह किसका आ रहा है, तो याद रखना मिश्रित दिन के बीच में प्लस का चिन्ह होता है, क्योंकि मिश्रित दिन 2 चीजों के मिलने पर आती है, और मिश्रित दिन कब आती है, 2 चीजों के मिलने पर, और मिलना मतलब क्या होता है, प्लस, तो बीच में चिन्ह हमेशा किसका आएगा, प्लस। ये खास पॉइंट है। चलो बताना, बोलो ये आप बीच में चिन्ह बता सकते हो, आप चिन्ह बता सकते हो क्या, चलो बोलो सभी, ये बता दो, सब बोल दो, मिश्रित बिन के बीच में चिन्ह किसका आता है, हम हटा भी सकते हैं और मर्जी हो तो लगा भी सकते हैं, अपनी मर्जी पर है, लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। देखो देखते रहो आप अभी, तो कैलकुलेशन कितनी आसान बन जाएगी, जिन चीजों को सोल्व करने के आप सोच भी नहीं सकते उन चीजों को हम कुछ ही सेकंड्स में आंसर बताने स्टार्ट कर देंगे थोड़ी देर बाद में। एक बार जल्दी से इन 2 चीजों को नोट कर लो आप, जल्दी नोट करो आप, नोट करने में टाइम मत लगाना, जल्दी करो। सभी ने, ठीक है आप दोबारा बता दीजिए, बिन कितने प्रकार के आई आपके पास, पहली बिन कौन सी आई, और दूसरी कौन सी आई, साधारण मिश्रित पे अंश बटा के आता है, और मिश्रित कितनी चीजों से मिलकर 2 चीजें मिलती है, तो बीच में चेनी प्लस, अरे मिलना मतलब ही प्लस। अब ध्यान देना, एक बिन होती है उचित बिन और एक होती है अनुचित बिन, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं प्रॉपर, इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर, बोलो अंग्रेजी में, बोलो हिंदी में, बोलो उचित। अब समझना आप सभी, उचित क्या होती है अनुचित क्या होती है ये समझना आप सभी, ध्यान देते रहना अच्छी तरीके से। जैसे मान लो अभी मैंने पूछा 5 है, 5 में 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपने कहा नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, ध्यान देना, क्योंकि 5 छोटा है और 7 ही बड़ा है, इसलिए भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है बताना, 11 में 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्यों जा रहा है बताओ, 11 बड़ा है और 9 छोटा है, लेकिन बाद में लेना, पहले समझते रहो अच्छी तरीके से। 15 में 13 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, बस आप देखकर ये बताते रहो कब भाग जा रहा है कब भाग नहीं जा रहा, तुरंत ये दोनों चीज समझ में आ जाएंगी, बताओगे आप, तैयार हो क्या, बादशाह लेके तैयार मत रहना, ढंग से तैयार रहना, ठीक है, कई लोगों को बादशाह ले रहे हैं, तो ध्यान देना 11/7 है, बोलो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, और बताना सभी, 5/13 है जा रहा है कि नहीं जा रहा, 13/17 है जा रहा है कि नहीं जा रहा, 11/9 है जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ध्यान देना सभी, भाग ही न जाए तो उचित और भाग ही जाए तो अनुचित, बस ये परिभाषा हो गई, ध्यान देना, भाग ही जाए तो, भाग ही न जाए तो, भाग ही न जाए तो क्या कहलाएगा, उचित, और भाग ही चला जाए तो अनुचित, तो बस ये याद रखना आपको। अब देखना आप सभी, वापस बताना कब भाग जा रहा है कब भाग नहीं जा रहा, चलो बताओ 5/7 भाग ही जा रहा है कि नहीं जा रहा, भाग
आपकी न जाए तो क्या कहलाती है? पांच बटा सात उचित है कि अनुचित है? पांच बटा सात उचित है कि अनुचित है? और बताना ग्यारह बटा नौ जा रहा है कि नहीं जा रहा? ग्यारह बटा नौ जा रहा है कि नहीं जा रहा? भागी जाए तो उचित के अनुचित? बोलो ग्यारह बटा नौ किस में आएगा? अनुचित। चलो और बताना आप सभी, पंद्रह बटा तेरह जा रहा है कि नहीं जा रहा? भागी जाए तो उचित के अनुचित? आइए समझ में। चलो आप बताना, ये बताओ तेरह बटा सत्रह है ऊपर लिखो कि नीचे? ऊपर की नीचे, क्योंकि भागे नहीं जा रहा तो ऊपर चला जाएगा। बुरा है कि नहीं है समझ में? उचित और अनुचित पहचाना आ गया क्या? यदि भाग ही जाएगा तो अनुचित, और भाग ही नहीं जाएगा तो क्या कहलाएगी? उचित। आगे समझ में, नोट करो जल्दी से, छोटे छोटे पॉइंट है अभी, और उसके बाद देख रहे हैं सबको मिलाकर हम कैलकुलेशन में काम में लेंगे। ताने सभी ने उतारा, थोड़ा फास्ट करो ना बेटा दोस्त। हाँ तो अब आगे ध्यान देना, समझते रहना, धीरे धीरे देखना आपके सामने कैसे कैसे एग्जांपल आ जाएंगे। करो स्टार्ट वापस, तैयार हो ना? देखना आप सभी, देखो मैंने बताया एक साधारण, एक बार वापस देखो अपने फड़ा क्या क्या है, ये रिपीट जरूर क्या करो। बिन की बात की, बिन मतलब अंश बटा हर। फिर मैंने साधारण बिन की बात की, साधारण बिन में अंश बटा हर के अलावा और भी कुछ आता है क्या? मिश्रित बिन जानते हो आप? बीच में चिन्ह किसका होता है? उचित बिन जानते हो आप? भाग जाए कि न जाए? अनुचित जानते हो आप? भाग जाए कि न जाए? आगे सबको समझ में आता था, क्लियर है ना? ठीक है, अब ध्यान देना सभी, एक पॉइंट लिख रहा हूँ। अनुचित बिन को, अनुचित बिन को मिश्रित बिन में बदलना, अनुचित बिन को मिश्रित बिन में बदलना, ये समझना आप सभी। अनुचित बिन है, इसे मिश्रित बिन में बदला जाएगा। अब अनुचित बिन को मिश्रित बिन में कैसे बदलेंगे, ये सब ध्यान देना, हर जगह पे काम आएगा, हर चैप्टर में काम आएगा। यदि किसी को बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अब सीखते हुए आगे बढ़िए, लगातार सीखे, डेली क्लास लीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। देखो अनुचित भिन्न और आगे क्या लिखा हुआ है? अनुचित का मतलब जानते हो आप? और ध्यान देते रहो, बीच में से आप भी बता सकते हो कभी भी, ठीक है? तो पूरा ध्यान देते रहो यहाँ पर। और अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न मतलब भाग ही जाए कि नहीं जाए? भाग ही जाए, ठीक है, ये लिख दिया मैंने अनुचित भिन्न। बोलो कौन सी भिन्न है? कौन सी है? उचित भी नहीं है तो थोड़ी मैंने अनुचित बोल दिया तो पक्का अनुचित ही होगी। बोलो अनुचित है कि उचित है? क्योंकि भागी नहीं है। तो ठीक है, अब लेता हूँ, देखो मैं दूसरा एग्जांपल, आप बताना, देखो मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, बताओ उचित है कि अनुचित है? कौन सी है? क्योंकि भागी जा रहा है। तो अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, ये सीखना है, सब ध्यान देना। मुझे पता है कई लोगों को पहले से आता होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए पढ़ाया जाता है, जिनको आता है उनके लिए नहीं पढ़ाया जाता क्लास के अंदर। तो जिनको नहीं आता सीखते रहो आप। बोलो सात का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? बोलो सात एकम, दूसरी बार थोड़ी जाएगा, दूसरी बार तो ज्यादा चला जाएगा, इसलिए सात एकम सात एक लिख लो यहाँ पर। अब आप ये पता करो कि तेरह तक पहुंचने के लिए सात से कितना ज्यादा है? तो आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। बोलो कितना ज्यादा है? बोलो छह का ऊपर, ध्यान देना छह आता है ऊपर, छह का ऊपर आता है ऊपर, और भाग किसका दे रहे हैं? सात का, तो सात आ जाएगा नीचे। बोलो उत्तर बोल दो कितना आया? तो जिनमें भाग जाए ना, देखो भाग न जाए तो बढ़िया है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, और जिनमें भाग जाए उनको एक्सेल किया जाएगा। अभी आगे करना, आया कि नहीं आया? ठीक है, जिनको नहीं आया समझना सभी। जैसे मान लो की बात ले लिया मैंने, 21 और 5 का भाग दिया, आप सभी ये बताइए भाग ही जा रहा है कि नहीं जा रहा? भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? भाग दे सकते हो क्या? 5 एकम 10 15 20, कितनी बार गया? कितना बचेगा? एक का ऊपर जाएगा, कमी क्या आएगा? बोल दो कितना आया?
होगा पहले से उनको अब आया कि नहीं आया? आ गया क्या? एक बता सकते हो आप? बता सकते हो ना? ठीक है, मान लो आपके पास क्वेश्चन है 20 बटा और मैंने ले लिया 3 ले लिया, बोलो 20 में 3 का भाग दे सकते हो आप? दे सकते हो ना? सोचो आराम से आंसर, बोलना मत, कोई होशियार मत बनना ज्यादा, कोई बोलना मत, सिर्फ अपने मन में आंसर रखो, आराम से देख लो, लेकिन सबको पता लग जाना चाहिए, दूसरे पे डिपेंड नहीं कि हाँ और कोई बोल देगा आंसर। सबको लग गया पता? सब आंसर बता सकते हो आप? आंसर बोल दीजिए, जय सही 2/3। हाथ खड़े करना, किस चीज का है? बहुत बढ़िया, हर चीज हर स्टूडेंट को समझ में आ रही है, ये बहुत बढ़िया बात है। बोलो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, भाग कितनी बार गया? 6 बार, बचा कितना? 2 का पर कमी क्या आएगा? 3 कितना आया? 6 से 2/3। सबको आ गया यहाँ तक? जल्दी से नोट करो ना, एक दो एग्जांपल जल्दी नोट कर लो और फिर देखते हैं एक्सप्रेशन से और बढ़ाते हैं। सभी ध्यान देना, देखो अब धीरे धीरे बढ़ेगी कैलकुलेशन इस स्टेप के साथ ही, सभी ध्यान देते रहना चाहिए तरीके से। आपको मैंने बताया मिश्रित बिन के बीच में चिन्ह किसका होता है, तो आप बताना देखिए इसे पूरे रूप में क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो आप? बता सकते हो क्या? तो पहले क्या लिखूंगा? बोलो मिश्रित बिन के बीच में चिन्ह किसका लगाया? अब सुना आप सभी, एक जगह पर पहले से ही प्लस का चिन्ह लगा हुआ था, एक जगह पर पहले से ही प्लस का चिन्ह लगा हुआ था, तो क्यों लगा हुआ था ये आपको पता है क्या? अरे क्यों लगा था पता है क्या? प्लस का चिन्ह कब लगता है आपको पता है क्या? जब बिन कैसी होती है, तो बोलो प्लस का चिन्ह क्यों लगा हुआ है आपको पता है क्या? क्योंकि बिन कैसी है। उतरा गया क्या? बताओ 23 सही 11/12। तुम मुंह बंद क्यों है, बोलो सब एक साथ। सही, अरे प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, कहता ना आपको अभी थोड़ी देर पहले, तो प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, जहां मर्जी लगा दो जहां मर्जी हटा दो। तो ध्यान देना, आप एक और बता देना, जैसे मान लो 17 + 1/3 है, बोलो उत्तर आया कि नहीं आया? सही 1/3। और बताओगे आप सभी? हाँ। तो बताओगे ना? ठीक है, एक और बताना, 49 + 11/17, बोलो उत्तर आया कि नहीं आया? उत्तर बोल दीजिए आप। एक और बताओगे आप? हाँ। बड़ा एग्जांपल ले लू? हाँ। ठीक है, देखिए बड़ा एग्जांपल भी आप बता सकते हो क्या? 111/117 या फिर 116 मान लेते हैं, बोलो आया कि नहीं आया? आ गया क्या? तो बोले सभी 149 से 111/116। ठीक है, और बताओगे आप? तो ध्यान देना, एक और बताना, देखे आप सभी बताते रहना, 57 + 15/11, उत्तर बोल दो सभी एक साथ। ध्यान देना, अब ये गलत हो गया, समझना अब ये गलत हो गया, ये उत्तर नहीं आएगा। अब ध्यान देना क्यों नहीं आएगा, समझना, आपने तो सही किया लेकिन कौन सा ऐसा नियम है जो इसे गलत बना दिया? आप ये देखना 15 में 11 का भाग ही जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है कि नहीं जा रहा? यदि भाग ही जा रहा हो ना तो गाय मत करना प्लस के चिन्ह को, पहले भाग ही देना, पहले अपना ये काम करो जो पहले सीख चुके हैं ना, पहले वो काम करो। तो बोलो 15 में 11 का भाग देना आपको आता है कि नहीं आता? आता है क्या? तो 15 में 11 का भाग दीजिए, पहले नहीं हटाएंगे, ये बताना सभी। जैसे मान लो ये होता, बोलो उत्तर आया कि नहीं आया? उत्तर आ गया क्या? क्योंकि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? भाग नहीं जा रहा, तो उत्तर बोल दो आप, बोलो।
अब बताना अब वहाँ भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है। जा रहा है ना भाग। हाँ। तो पहले क्या दिया जाएगा हाँ। भाग देते देखना ध्यान देना सभी 57 प्लस से अब देखो 11 एकम 11 कितनी बार गया एक बार कितना बचा चार का अपर घटा में अब ध्यान देना बोलो मिश्रित भिन्न नजर आ रही है क्या और मिश्रित भिन्न के बीच में चिन्ह किसका होता है हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं ये अपनी मर्जी पर है बोलो लगा सकते हो आप बरा ठीक है लिखाओ पूरा लिखाओ सत्तावन और एक कितना हो गया 58 के आगे चिन्ह बोलिए और 4 के बटा में अब भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा तो प्लस के चिन्ह को हटा सकते हो क्या उत्तर बोल दो थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया सिर्फ थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया आगे समझ में तो ध्यान देना अभी ध्यान देना एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं ऐसे नहीं करा कि मैं नहीं आ सकता लेकिन जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर लास्ट वाली स्टेप ये बन सकती है और ये आपकी क्लियर होना चाहिए सबके और वो भी बहुत ही स्पीड में उतराए इस तरह से देखते उतराए इस तरह से तो एग्जाम्पल और समझना आप सभी जैसे मान लो 17 प्लस 11 बटा 13 है बोलो उत्तर आया कि नहीं आया क्योंकि भागी क्योंकि भागी ठीक है अब देखना आप सभी देखिए जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 13/5 अब बताओ क्या 17 सही 13/5 सही आंसर है क्या आप सबको लिखाना है क्या क्या किया जाएगा सबको लिखाना है एक एक स्टेप हर एक स्टेप लिखना है लिखा सकते हो आप लिखा सकते हो क्या सबसे पहले बोलो आराम से जल्दी बैच जल्दी खत्म हो जाएगा मैं 4-5 महीने की सोच रखा हूँ आप 2-3 दिन में बैच भी कभी लिखा होगी आराम से धीरे धीरे लिखाओ ना बीच में चिन्ह बोलिए प्लस का चिन्ह 13/5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा और 5 × 2 कितनी बार गया बचा कितना बराबर जाएगा क्या आएगा मिश्रित भिन्न के बीच में चिन्ह किसका आता है लगा सकते हो क्या प्लस का चिन्ह मान लो या तो भाई प्लस का चिन्ह है तो बोलो 17/2 कितना हो गया 17/2 बोलो और 19 बीच में प्लस का चिन्ह लगाओगे कि रहने दे क्योंकि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा नहीं जा रहा अरे बात तो बोलो उत्तर बोल दो उत्तर बोल दो 20 सही की 19 सही 19 सही 3/5 सबको आए नहीं आए एक एक एग्जाम्पल करके बता सकते हो आप करके बताना चाहिए जवाब सकते उत्तर मत बोलना सबस मात्र 1 सेकंड में आंसर कही होगी ओके सभी कर लो आंसर किसी को नहीं बोलना है सबको टाइम मिलना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का करते रहो सर पहले समीर बता सकते हो आप अभी थोड़ी देर बाद देखना पूरी क्लास के आंसर ना बहुत जल्दी आने स्टार्ट हो जाएगा उत्तर बोल दो आप अभी 25 सही ध्यान देना अब पूरी स्टेप लिखवाना आप सभी पहले कौन आया आगे चिन्ह बोलो भाग जा रहे हैं कि नहीं जा रहा 4 × 16 कितनी बार गया ऊपर कितना आया बटा में क्या आया बीच में चिन्ह बोलो लगा भी सकते हैं और लगा सकते हैं क्या 21/4 कितना हुआ 25 के आगे कौन है भाग ही जा रहा है कि नहीं जा रहा इधर कितना है 25 ऊपर बोल दो आंसर बोल दो आंसर बोलो एक और बताओगे आप सभी एक और करके बताना आप सभी क्वेश्चन आपका 151 प्लस 115/113 ये एग्जांपल है सबस सब करते रहो आ गया सभी के
आंसर बोल दीजिए आप। 152 सही, 152 सही, 2/113। हाथ खड़े करना किस किस क्या है, तो आप पूरी क्लास की आ गया, आपकी नहीं है तो देखना, आप इधर भी गलत बैठे हो, आप देखते नहीं होगा दीवार, इस साइड बैठा करो ना, उस साइड छोड़ दिया करो जगह, जहां से नदी के वहां पर जगह छोड़ ही दिया करो, आप ध्यान देना आप सभी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बोलिए आपने 151। आगे चिन्ह बोलिए, ये बताओ भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो भाग देंगे 113 एकम, तेरे पड़े आप लोग सात आते एकम वाला और ढाई वाला, ये तो जहां तक पूछो वहां तक बता सकते हैं, है ना। एकम जैसे 400 एकम 400, और ही बता सकते हो आप 359 का पड़ा बता सकते हो आप, 359 एकम, एकम तो आता है बस द्वम नहीं आता और त्रम नहीं आता, ये एकम द्वम बस ये इनमें दिक्कत आती है ना आगे, तो ध्यान देना। बोलो 113 का आता है कि नहीं आता, आता है क्या, 113 एकम 113 भाग कितनी बार गया, एक बार, एक बार गया ना, तो बताओ 113 से ऊपर कितना बच गया, दो का ऊपर जाएगा और बटा में क्या आएगा, बताओ बीच में चिन्ह किसका है, 151 और एक कितना हो गया, और कितना हो गया 152 और ऊपर कितना आया, दो और बटा में 113, आंसर कितना आया 152 सही, 2/113 आ गया समझ में, ठीक है। तो एक लास्ट एक जंप कर करके बता दो, क्योंकि 2-4 स्टूडेंट्स को नहीं आया था आंसर, वो अब की बार देखे आता है नहीं आता सबकी, लास्ट एग्जाम्पल है, फिर अपन और भी कैलकुलेशन का लेवल बढ़ाते हैं, अभी स्टार्टिंग की क्लासेज है, ध्यान देना, नया समझ में आए तो 10 बार पूछ सकते हो आप, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लासेज नहीं आएंगी तो लास्ट के टॉपिक आप सीख भी नहीं पाओगे, तो आपको जितना भी पूछना पूछ सकते हो, क्लास में पूछिए, अलग से पूछिए, यदि आप पर नहीं समझ में आएगा तो अलग से भी बता दिया जाएगा, लेकिन बस टारगेट एक होना चाहिए, स्टार्टिंग की जो एक मंथ क्लास चलने वाली है, एक महीने तक जो क्लास चलने वाली है, उसका हर एक पॉइंट आपकी क्लियर होना चाहिए, अब चाहे कितना भी पढ़ के हो, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन स्टार्टिंग के एक महीने का जो पैटर्न है बहुत जोरदार तरीके से क्लियर करोगे, स्पीड भी बढ़ जाएगी और आगे आने वाले प्रतिशत लाभ वाली बट्टा बीज गणित ज्योमेट्री ज्यामिति है त्रिकोणमिति है सब चीजें आपको बहुत अच्छे लेवल के साथ समझ में आ जाएंगी, यदि यही वीक रह गई तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पूछना चाहो वैसे पूछना, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, तो बस कोशिश करते रहना हर एक क्वेश्चन आपको आए, एक बता देना 47 + 45/43, ये बताना आपको, उत्तर मत बोलना कोई भी, शाबाश, आधी क्लास के एक सेकंड में आंसर आ जाता है, बहुत बढ़िया, लेकिन सबको साथ लेके चलना है यहाँ पर, बता सकते हो आप सभी, सूत्र बोलिए आप, कितना ये रन सबके, ठीक है, ये बताओ भाग ही जा रहा है कि नहीं जा रहा, बोलो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 43 से कम 43, भाग कितनी बार गया, एक बार, और बोलो ऊपर कितना आएगा, दो, और बटा में 43 और एक कितना हो गया 48, सूत्र बोल दो, 48, तो ध्यान देना, सबको आ गया समझ में, सबको आ गया क्या, थोड़ा टाइम जरूर लगा है लेकिन सबको आ जाना चाहिए, और अब देखना आप आगे, ऐसे मत सोचना कि अब ये चीज आगे काम में नहीं आएगी, देखते रहो अब आगे ये कैसे काम में आती है, कौन से क्वेश्चन में ये वाली चीज काम में आती है ये देखना आप सभी, लेकिन सभी साधारण भिन्नों को जोड़ना और घटाना, साधारण भिन्नों को जोड़ना और घटाना, साधारण भिन्नों को जोड़ना और घटाना, निकले सभी ने, बोलो क्या लिखा आप लोगों ने, साधारण भिन्न समझते हो क्या, जिसमें केवल अंश हो और क्या हो, ऊपर क्या आता है अंश, नीचे क्या आता है, तो अंश बटा हर में हो उसे क्या बोला जाता है, तो मैं साधारण भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखने वाला हूँ, समझ रहे सभी आप,
दो बटा तीन ध्यान देना कैसे करते देखते अभी सीखते हैं। दो बटा तीन स्लैश एक बटा पांच ये दो भी ना आ गए। देखो आपको मैं आगे और भी मेथड बताऊंगा। एक मेथड आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि लघुत्तम ले लो विरल कर लो, लघुत्तम वाला मेथड बस ये देखा होगा आपने। पढ़ा तो क्या होगा, टीचर पढ़ा रहा है बस लघुत्तम बार बार बोल रहा है बस इतना सा पता लगा होगा, पढ़ा तो नहीं होगा ना कुछ लोगों के अलावा। मैं सबकी बात नहीं करता लेकिन ज्यादातर ऐसी हो ही रहता है कि हाँ पढ़ा है तो था लेकिन क्या होता है ये नहीं पता सर, बस याद है थोड़ा थोड़ा। तो तीन और पांच कोई बात नहीं, नहीं आता है तो प्रॉफिट है, नुकसान नहीं है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। कुछ नहीं आता है, नुकसान नहीं है, बहुत प्रॉफिट है, थोड़ी देर में पता लगने लग जाएगा आप लोगों को। तो ध्यान देना आप सभी, जो लघुत्तम है लघुत्तम वाले तरीके में आपको बाद में बताऊंगा, पहले ऐसे मेथड सिखाऊंगा आप लोगों को कि आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी होने लग जाए। सिखाए तैयार हो क्या, बोला करो ना मुंह बंद मत रखा, तैयार हो आप? ध्यान देना सभी, दो बटा तीन प्लस एक बटा पांच कितनी भिन्न नजर आ रही है। तो ध्यान देना भिन्नों को हल करने का एक नया मेथड, आप पहली लाइन ये याद रखना ऐसी ठीक है, दूसरी लाइन आप ऐसे याद रखना और तीसरी लाइन आप ऐसे याद रखना, ये भिन्न हल करने का तरीका हो गया। और कौन सी लाइन, ये नहीं पहली लाइन, कौन सी लाइन पहली लाइन, ये कौन सी है दूसरी लाइन, ये कौन सी है तीसरी लाइन, कितनी लाइन हो गई तीन। अब समझ रहे आप सभी, पहली लाइन देखो बीच के अंदर जो ये आपने डायग्राम बनाया है इसके बीचों बीच वही डायग्राम बना दो, वही लाइनें खींच दो, ये देखो ये खींचा, ये बताओ टच किस किस को कर रहा है, दो तो बोलो पांच दूनी दस, बस गुणा कर दो आप। तो पहली लाइन का तो आ गया दस, बीच में प्लस हो तो प्लस माइनस हो तो माइनस, तो मैंने प्लस लगा दिया, प्लस है तो प्लस माइनस होता तो माइनस, ध्यान देते रहो सामने भाई साहब समझते रहो। और अब दूसरी लाइन देखना, बोलो तीन एकम तीन, तो मैंने तीन लिख लिया यहाँ पर। और अब नीचे वाली लाइन ये बची इसको टच कर रही है, तो ध्यान देना नीचे की तरफ भी लिखो इसे, बोलो पांच तीन पंद्रह, ये पंद्रह लिख दिया। ये बताओ दस और तीन कितना होता है, और तेरह के बटा में पंद्रह, ये बताओ भाग ही जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है कि नहीं जा रहा, भाग ही नहीं जा रहा, तो उचित है कि अनुचित है, उचित है कि अनुचित है, उचित भी ना आ गई, तेरह बटा पंद्रह अपना आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ये वाला मेथड बहुत ज्यादा काम में आएगा स्पीड के लिए, देखते ही आप उत्तर बताना स्टार्ट कर दोगे थोड़ी देर बाद में। तो ठीक है एक और एग्जाम्पल समझना आप सभी, बताना देखिए एक और समझना, उतावली मत रहो आराम से समझो ना, जल्दबाजी मत करो, बहुत दिन पढ़ना अपने को यहाँ पर, बहुत दिन सीखना है, उसके बाद सिलेक्शन की टेंशन करनी है, फिलहाल बस आप देखते रहो, अरे जल्दबाजी मत करना। दो बटा पांच प्लस एक बटा तीन ये वाली भी ना दी, बोल बता सकते हो आप, बता सकते हो क्या, अभी कुछ नहीं लिखना है सिर्फ सामने देखकर बताना है। बोलो सभी, तीन दूनी बीच में चिन्ह, पांच एकम पांच, ती भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, ग्यारह में पंद्रह का भाग ही नहीं जा रहा, छह पांच ग्यारह होता है ना, ग्यारह के बटा में पंद्रह, भाग ही जाए तो भाग दे सकते हो क्या, दे सकते हो क्या, ठीक है आया कि नहीं आया सबको समझ, एक एग्जांपल करके बताओगे आप, ठीक है करके बताना सभी। जैसे मान लो तीन बटा चार प्लस दो बटा यहाँ पर ले लिया सात, इसे हल करके बता दो आप, बहुत बढ़िया। करते रहो सभी करते रहो, आ गया सभी के, बता सकते हो आंसर आप, बोले सभी, एक सही एक बटा अट्ठाईस, ये आ रहा ना अटकड़ी करना, किस किस के आया सवाल, कुछ लोगों की नहीं आया है ना, चार पांच लोगों की नहीं है बाकी सब जा गया, ध्यान तो देना, लेकिन उनके भी एक आंसर आ गया होगा, देखो कौन सा है, समझ रहा सभी, बोलो सात किया बीच में चीनी प्लस चार दूनी और सात चौक अट्ठाईस, बोलो इक्कीस और अट्ठाईस कितना होता है, उनतीस, उनतीस के बटा में अट्ठाईस, ये तो सब क्या आ गया होगा। अब आप ये बताइए भाग ही जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो हो सकता है एग्जाम में ये वाला उत्तर हो सकता है, तो ये टिक कर दो, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है।
ऑप्शन में ही आ जाएगा। लेकिन मान लो ऑप्शन में ये नहीं आया तो आगे वहां भी दे सकते हैं क्या? हाँ। और 28 से कम 28 कितना बच गया? कहां पर जाएगा? बटा में क्या आया? 28 उत्तर बता दो आप। उत्तर बोलो लास्ट एग्जाम्पल और ले रहा हूँ और फिर देखो इससे भी अच्छा लेवल आपको करवाता हूँ। ध्यान देना एक एग्जाम्पल और बताना आप सभी। आपके लिए एग्जाम्पल है 2/7 प्लस 1/5 ये करके बता दो आप जल्दी से। शाबाश सब करिए आराम से। शाबाश सबने कर लिया। भाई उत्तर आना सबके चाहिए है ना, जो बिल्कुल जिसे सबसे कम आता है क्लास में उसके भी आंसर आना चाहिए ठीक है। यदि किसी के नहीं आ रहे हैं तो बता देना, ऐसा नहीं है आपकी कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ आपके ध्यान में कमी होगी उस वजह से नहीं आ रहा होगा, उसका भी कुछ इलाज किया जाएगा। इसके उत्तर ना आए बता जरूर देना, ऐसा नहीं है कोई सीख नहीं सकता, सब सीख सकते हैं। तो ध्यान देना सभी, बताना आप सभी। पहले तो एक बार आंसर बोल दो, कितना आया? 17/35 बाल जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। तो और भी सही काम हो गया। बोलो सभी 5 × 2 बीच में चीनी 7 × 1 = 7 / 5 = 35 बोलो योग हो रहा है क्या? वैसे 7 कितना होता है? 7 बटा में क्या आया? 35 उत्तर कितना आया? 17/35 आया कि नहीं ऐसा कुछ? अब दिक्कत ये आई, कई फ्रेंड्स के माइंड में ये आएगा जो पहले से तैयारी कर रहे हो कि सर एग्जाम में 2-2 भी नहीं आती, 3-3 भी आ जाती है, 4-4 भी आ जाती है, 5-5 भी आ जाती है, और आपने तरीका बताया सिर्फ 2 का। तो अब यदि वो क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे करेंगे हम एग्जाम में, वो भी जल्दी। तो ध्यान देना आप सभी, आपको हर चीज सीखने के लिए लगातार क्लास लेनी पड़ेगी ठीक है, हर चीज आपको मिल जाएगी। तो देखना सभी, अब 2 भिन्न तो आपको हल करनी आ गई, लेकिन 3 आ जाती, 4 आ जाती, 5 आ जाती, ऐसे बड़ी बड़ी भिन्न आ जाती, उनको हम जल्दी से 10-20 सेकंड या 2 सेकंड 4 सेकंड इतनी जल्दी कैसे हल कर सकते हैं? और ये देखो मैं सिर्फ सेकंड से बात कर रहा हूँ ना, आज ही उम्मीद मत रखने लग जाना कि आज पहली क्लास में मेरे 8 सेकंड में आए, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज इतनी उम्मीद नहीं रखनी है, जो आपका बेस चल रहा है, आपकी क्लास चल रही है, इसमें सिर्फ आपको एक ही उम्मीद रखनी है कि जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सिर्फ आपको ये चीज देखनी है। स्पीड वगैरह की टेंशन मत करना, स्पीड वगैरह बढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए मैं टेस्ट सीरीज चला रखा हूँ, स्पीड बढ़ाने के लिए टेस्ट सीरीज चला रखा हूँ, क्योंकि स्पीड बढ़ाना है तो बढ़ाई हुई स्पीड तभी तो काम आएगी जब हमें कुछ आएगा, आता कुछ नहीं है, आता एक क्वेश्चन नहीं है और अपन बात करते मेरा उत्तर 1 सेकंड में आना चाहिए, फिर मतलब नहीं निकलता ना। तो पहले सीखो, स्पीड की टेंशन बाद में कर लेंगे, लेकिन ये तरीके आप लोगों को आगे आने वाली कोई एग्जाम्स के अंदर बहुत ही टाइम बचाएंगे। तो देखना आप सभी, अब 3-3 भिन्नों को कैसे हल करेंगे? 1/2 ध्यान देते रहना सभी, क्या लिखा मैं? 1/2 कन्फर्म कर दिया तो आप 3/5 बोलो 3/5 और आगे आ गया 1/3 बोलो क्या आ गया? 1/3 ध्यान देना, हल करने का तरीका देखना, सब बोलो भिन्न 2 है कि 3 आई है? 3 और आपको हल करनी कितनी आती है? 2 हल करना कितनी आती है? 2 कोई बात नहीं, जान लो ना कितनी दिख रही है और 2 भिन्नों को हल करना आता है क्या? आता है क्या? ध्यान देना, अब एग्जाम में किसी हाथ लगा लगा के तो बैठेंगे नहीं, चलो अभी 2 ही दिख रही है फिर हल कैसे करेंगे, इसलिए अपने माइंड के अंदर कुछ ऐसा रखो कि 1 भिन्न आपको दिखना बंद हो जाए, तो कोई सी भी भिन्न को गायब कर दो आप, कोई सी भी 1 भिन्न को गायब कर दीजिए। तो मैंने ये गायब कर दिया, बताओ अब आपको क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है, बता सकते हो आप? सब एक साथ बोल के बता दो, और बताओ इन दोनों को हल करना आपको आता है क्या? आता है क्या? 5 × 1 = 5 बीच में चीनी 3 × 2 = 5 बीच में चीनी बीच में आगे चीनी हमेशा के लिए नहीं भूलना है, वरना उत्तर गलत आ जाएगा, बाद में याद करें ना आगे जाके। तो बोलो आगे इनको हल किया आगे ऐसे कैसे, जो हमने गायब कर रखा है ना वो आगे ऐसे कैसे चलता रहेगा,
अब बताओ 6 5 कितना होता है? 11 के बटा में क्या आया? बीच में चिन्ह बोलो, आगे बोलो। बताओ 2 भी नोकॉल करना आता है? आता है क्या? बोलो 11 थी 33, बीच में चिन्ह 10 एकम 10, 10 दिया 30, और बता दो 33 और 10 कितना होता है? 43 के बटा में कितना आया? 43 बटा 30। बात ही जा रहा है कि नहीं जा रहा? हर चीज जो भी हमने सीखी आज की क्लास में, हर चीज धीरे धीरे काम में आ रही है। और भी बड़े क्वेश्चन बनेंगे थोड़ी देर बाद, देखना। बोलो 30 से कम 30, कितना बच गया? 13। बचा कितना? 13। मेरा कहाँ पर जाएगा? ऊपर। हमें बोल दो 30। उत्तर बोल दो 1 से 13। उत्तर बोल दो 1 से 13। आया कि नहीं ऐसा? बोल कर सकते हो आप 3? हाँ। जल्दी जल्दी नोट करो, इसमें एक करके बताना। सीख लिया सभी ने? ठीक है, तो ध्यान देना, समझना अच्छे से। एक एग्जांपल आप करके बता दीजिए और देखना भी, क्लास खत्म होते होते कैसे कैसे एग्जांपल आपको आने लग जाते हैं। क्लास पूरी होते होते आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल आने लग जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कुछ ही सेकेंड्स में आने स्टार्ट हो जाएगी। करोगे ना आप एक क्वेश्चन? 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/2, ये करके बता दो आप। कोई सी भी एक बिन को गायब कर लेना, आगे सभी के बता सकते हो आप? आंसर बोलिया 1 सही 7/30। 1 सही 7/30। 7/30। हाथ खड़ी करना किस चीज का है? शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट, तो समझ में आ गया। अब जिनके नहीं आया समझना, एक और एग्जांपल दूंगा फिर उससे करके बता देना। जिनके भी नहीं आया समझ लेना एक बार दोबारा, कहते ही नजरे सामने कर लिया करो। ध्यान देना, आपको भिन्न कितनी नजर आ रही है? भिन्न नजर कितनी आ रही है? अब बताओ आप देखोगे कितनी को? दो। नजर 3 आ रही थी लेकिन देखना कितने को है? दो। बढ़िया, गायब इसे भाई जरूरी इसे गायब करो, आप इसे भी गायब कर सकते हो। तो फिर 2 1 2, 3 1 3, 3 2 2, ये भी कर सकते हो आप। तो कोई सी भी एक को गायब कर दो, मैंने इसे गायब कर दिया। बोलो ये हल करना आता है क्या? रन सामने सबका, हर एक स्टूडेंट का। अब बताना सभी, बोलो 5 1 बीच में चिन्ह, बोलो 3 2 6, 5 3 15, आगे चिन्ह बोलिए, आगे बोलिए, चल करना आता है क्या? 6 5 कितना हुआ? 6 5 बोलिए, 11/15, बीच में चिन्ह, आगे बोलो, दो भी हल करना आती है क्या? हल कर सकते हो क्या? हल करते, बोलो 11 2 बीच में चिन्ह, 15 1 15 2 3, और बताओ आप सभी किसे योग कर सकते हो क्या? 15 में 22 जोड़ना आता है क्या? 5 2 7, 2 1 और बटा में क्या है? बाघ जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है कि नहीं जा रहा? 30 1 कितना बचा? 7। वहां पर जाएगा वो, बटा में क्या आएगा? उत्तर कितना आएगा? 1 सही 7/30। आगे सबको समझ में आ गया? लास्ट एग्जांपल करके बता देना आप, लास्ट एग्जांपल इस तरह का, फिर आगे बढ़ेंगे।
माइनस में गुणा भाग सब चीज आएंगे लेकिन धीरे धीरे आएंगे स्टेप बाय स्टेप आएंगे। सब क्या आना चाहिए आंसर आराम से करते रहो खुद पर भरोसा रखो। डिस्कशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी खुद अपने मन से करिए आता है सो गलत कर लो चाहे लेकिन करो खुद अपने मन से। आ गया बता सकते हो आप सभी बोल दो उत्तर कितना है एक सही इकसठ बटा चौरासी रोटी गंभीर स्थिति मत बोलो वैसे बोल दो साधारण बोल दो आप 145 बटा चौरासी चौरासी ये किस किस कह रहा है आप कड़ी कर लो ये किस किस कह रहा है ठीक है आ रहा है लगभग लगभग सभी के और ध्यान दे रहे जिनको भी नहीं आए देख लेना आप सभी जिनको भी नहीं आए समझ लेना वापस ध्यान सामने सबका देखो पहले दो भी नोकल कर दीजिए आप धीरे धीरे आने लग जाएगा गुणा भाग गलत हो रहा है ना तो धीरे धीरे आने लग जाएगा सबको सब बोलो चार एकम बीच में चीनी बोलो पांच पी पंद्रह और बोलो चार पी आगे समझ में आता है बीच में चिन्ह बोलिए आगे बोलो एक आगे आता का 15 और 4 कितना हुआ 19 और 19 के बटा में आगे चिन्ह बोलिए तो आगे इस बिन गोल करना आता है क्या बोलो 19 को किससे गुणा करोगे 19 शांति कितना होता है 133 तो बोलो क्या होता है 133 बीच में चिन्ह बोलिए 12 एकम 12 और 12 संते 84 तो यहाँ पर 84 आ गया। अब देखो 3 तो कितना आया 5 3 एक 4 और आगे कौन बचा एक बटा में क्या है 84 बस दोनों का योग कर लिया 133 में 12 जोड़ दिया। अब एक चीज देखो आप 145 में किसका भाग देना है 84 का तो यदि आपको वैसे भाग नहीं देना है ना वैसे ये चीजें धीरे धीरे आगे सीख लेंगे अपन लेकिन फिर भी अभी आए तो बढ़िया ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है अभी तो शुरुआत है पहली क्लास आप लोगों की कैलकुलेशन की तो देखते रहो अभी आप जैसे 84 का पढ़ा याद नहीं है तो 84 को आप 2 से गुणा करके देख लो कि 145 रहता है कम रहता है कि ज्यादा रहता है तो देखो 4 दुनी 8 8 दुनी 16 बताओ इसके बराबर रहा कि ज्यादा गया तो बोलो यहाँ पर 84 दुना ऐसे बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते क्योंकि ज्यादा जा रहा है तो बोलो 84 एकम 84 कितनी बार गया एक बार। अब 84 से ऊपर कितना है ये देखना है मतलब 145 तक जाना है तो आप ऐसे पता कर लेना 145 में से 84 घटा देना तो जितना ज्यादा है वो पता लग जाएगा तो 145 में 84 घटाओगे कितना आया 61 और 61 बटा कितना आया 84 लेकिन ध्यान देना ये स्टेप न भी आए हो कोई दिक्कत नहीं है बस आपको याद तक आना चाहिए था पूरे याद तक सबको समझ में आया नहीं आया पूरे ढंग से आया नहीं आया आपको आगे समझ में ठीक है। अगला पॉइंट डालिए मिश्रित बिनों को जोड़ना व घटाना जिनको कम समझ में आया है अभी देखते रहो और समझ में आ जाएगा मिश्रित बिनों को जोड़ना व घटाना मिश्रित बिंदुओं को जोड़ना व घटाना अब ध्यान देते हैं आप सभी देखो कैलकुलेशन तो अब आएगी आपके सामने जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ज्यादातर वो अब आएंगे आपके सामने कि एग्जाम में कैसे वाले क्वेश्चन पूछा करता है तैयार हो आप सर तैयार हो क्या उपाध्याय लेने के लिए नहीं पढ़ने के लिए तैयार हो आप
नींद उड़ाना भी जानता हूँ। तेरे को बोल रहा हूँ इसे क्या, इसे आके क्या चुरा रहा है। इसे कहने के बाद बस ही है कि हाँ देख ले तुम एक बार। अरे इसकी तरफ क्या देख रहा है, पीछे वाले को बोल रहा हूँ आप टेंशन मत आओ, पीछे वाले को बोल रहा हूँ। अरे आपको नहीं बोल रहा पीछे वाले को बोल रहा हूँ, पहले आप टेंशन उठा रहे हैं। आपको नहीं बोल रहा पीछे वाले को बोल रहा हूँ, वो समझ गया। क्या नाम है तेरा? नाम था तेरा बस तू तो लिया था हंस तो रहा है, ये कोई नाम थोड़ी हुआ, दूसरी बार हंस रहा है। बता हाँ चलो ध्यान देना, क्या नाम है छोड़ो ये फर्क पड़ता। देखो क्लास में जान होने ना होने का मैंने क्या पूछा, नौका जोड़ रहा हूँ नाम बता पूछ रहा हूँ। आप बता सकते हैं राकेश, राकेश गुजरता से आते हो मैथ्स ध्यान देते रहो ठीक है, वैसे मत देना ध्यान देते। टॉपिक का नाम मिश्रित भी नौका जोड़ना है, अब ध्यान देना सर। बल्दी जी देखो उबासी तब आनी चाहिए जब समझ में ना आए, ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो उबासी कैसे आराम से, और देखो कि आगे भी आएगा इस एनर्जी के साथ लगातार पढ़ते रहो। पर न समझ में आए तब होता है कि हाँ ठीक है आप थोड़ी देर सो ही नहीं, न समझ में तब सोए जाता है। स्कूल टाइम भी याद होंगे आप लोग, इस क्लास में कुछ पले तो पढ़ना है नहीं, ऐसे ऐसे होते रहता था क्लास के अंदर। अभी तो जब समझ में आ रहा है तो समझते रहो, जो फालतू के अंदर नींद की सोच रहे हो ध्यान देना। मिश्रित भिन्नों को जोड़ना वे घटाना, तो देखना आप सभी, चार सही एक बटा पांच प्लस दो सही दो बटा तीन, ये एग्जाम्पल आ गया, छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, देखते देखते कितना बड़ा हो जाता है ये देखना आप सभी, और आप सबका उत्तर भी उसी स्पीड में आएगा जितनी स्पीड में इसका आंसर आएगा। तो देखना आप सभी अच्छी तरीके से, पहले क्या लिखा हुआ है, चार से एक बटा, आगे बोलिए दोनों को बीच में ठीक कौन सा है। अब हल करने का तरीका देखना आप सभी, हल करने का तरीका है यहाँ पर कौन आ रहा है चार, और यहाँ पर कौन आ रहा है दो। भाई जो गिनती में आती है ना पूरी पूरी संख्या, ये चार है और दो है, और यहाँ पर है एक बटा पांच, यहाँ पर है दो बटा तीन, मतलब पूरी संख्या अधूरी संख्या। सब बोलो पूरी संख्या अधूरी संख्या, जो बटा में आए उसे बोलो अधूरी, और जो बटा में ना आए उसे बोलो पूरी। उसको ध्यान देना, दो कोष्टक बना लेना आप यहाँ पर, एक कोष्टक ये रहा, ये पूरी संख्याओं का है और ये अधूरी संख्याओं का है। एक ही क्वेश्चन में दो तरह की संख्या है तो मैं उत्तर भी दो तरह से निकालूंगा, और फिर दोनों उत्तरों को मिला दूंगा तो फिर उत्तर आ जाएगा पूरे क्वेश्चन का। तो ध्यान देना सभी अच्छे तरीके से, जो भी पूरी संख्या है यहाँ पर लिखो, पहले कौन आया चार, ये पूरी, और अब अधूरी संख्या को उठाओ, अधूरी बोलो अब इसे हल करते हैं, ध्यान देना दोनों को मिला देंगे तो पूरे का उत्तर आ जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा हमेशा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी आए तो भी हमेशा क्या रहेगा प्लस ही रहेगा, या तो हमेशा प्लस ही आएगा क्योंकि दोनों को मिलाया जा रहा है। तो बोलो चार दो कितना आया छह, चार दो छह। और आप ये बताइए अभी थोड़ी देर पहले आपने ये हल करना सीखा कि नहीं सीखा, सीखा कि नहीं सीखा। बोलो तीन एक कम पांच दो नहीं दस तीन तेरह बटा, बता सकते हो आप पांच तीन पंद्रह, बोलो कराया कि नहीं आया। आप ये बताइए भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा उत्तर बोल दीजिए आप, उत्तर कितना आ गया। इस मेथड से क्या जाएगा, बोलो आया कि नहीं आया, इस मेथड सबको आया कि नहीं आया, एक एग्जाम्पल बताओगे आप, ठीक है एक आप खुद करके बताइए, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है सीख जाओगे भी थोड़ी देर में, लेकिन कोशिश करिए आप। पंद्रह सही एक बटा दो प्लस पांच सही तीन बटा पांच, ये करके बता दो आप। Thank you.
आ गया सबके? हाँ। जिनके आंसर आ जाए सामने देखना स्टार्ट कर दिया करो ताकि मुझे पता लग जाए कि किन किन के आ चुका है। आगे राकेश, चलो बोल दो आंसर। 21 सही, 1/10। किस किस का यह मतलब है? लगभग लगभग आ गया, लेकिन फिर भी अभी एक दो एग्जांपल और कराऊंगा तो सबको आ जाएगा समझ में। आप ही बताइए, पहले अब नजर सामने सभी, पहले बाल की तरफ कौन आएगा? सबका जान सामने बताते रहो, पहले कौन आएगा? बीच में चिन्ह बोलिए, आगे बोलिए। आप बताओ यहाँ पर बीच में चिन्ह, यहाँ पर माइनस होता तो भी, यहाँ पर तो हमेशा प्लस ही आएगा। और आगे बताओ कौन कौन बचा? आए यहाँ तक समझ में? ठीक है, 15/5 कितना हुआ? 15/5 बोलिए। 20 से प्लस से आगे बता सकते हो आप? बताओ दोनों हल करने आते हैं क्या? 5 × 1 बीच में चीनी, 3 × 2 और 5 × 2 दिखा सकते हो आगे आप? ठीक है, ये तो क्या बचा? बोलो 20। आगे चिन्ह बोलो, 6/5 11/20 सही, 11/10 आएगा क्या? 20 सही 11/10 आएगा कि नहीं आएगा? और क्यों नहीं आएगा, रीजन पता है क्या? आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा? 20 सही 11/10 मत बोल देना, बोलो 10 × 1 तो 20 से प्लस से कितना आया? कितना बचा? कहाँ पर जाएगा? बटा में बोलो, बीच में चिन्ह किसका होता है? क्लास की जो स्टार्टिंग की थी वो चीज काम में आ रही है कि नहीं आ रही? इनको तो पढ़ाया था मेरी स्टार्टिंग में, इस एग्जांपल में काम में भी आ रहा है। तो सब बोलो 20 से कितना हुआ? 21 सही, उत्तर बोल दो सभी। आया कि नहीं आया सबको? सबको आ गया ना? ये रहे आज तक का, बताओगे एक और क्वेश्चन? आप बताओगे ना सभी? करके बताना, देखो जिनको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोग बस समझते रहो, एक एग्जांपल जरूर समझ में आ जाएगा। 41 सही, 3/5 प्लस 10 सही, 1/3 आ गया। एक्सेल कर लो, और भी बड़े बड़े एग्जांपल बनेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। सब बता सकते हो आप? चलो बोल दो, 51 सही, 14/15 किस किस कह रहा आप में से? ठीक है, सब आपके पास सबको आ गया ना? अब आ गया, कोई बात नहीं, देखो हाँ ध्यान देना सभी, जिनको भी नहीं है देख लेना। बोलो पहले बाहर की तरफ कौन आएगा? 41 आगे चिन्ह, पोस्टर बंद हो गया, ठीक है, यहाँ पर चिन्ह बोले। अब आगे बोलो, देखो आपको दिक्कत गुणा भाग की वजह से आ सकती है, जब कहीं पर गुणा वगैरह करते हैं तो अपन थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने कई दिनों से मैथ नहीं पढ़ी है, स्कूल टाइम के अंदर भी पता नहीं कैसे पास हुए हैं, ये खुद को भी नहीं पता होगा कि कैसे पास हो गए थे। कुछ फ्रेंड, सबकी बात नहीं करता हूँ ना, खुद की बात करता हूँ। तो कैसे भी पास हुए हो, चाहे पड़ोसी की वजह से पास हुए हो, या फिर कोई टीचर अच्छा मिल गया हो, या फिर पेपर उतारने की वजह से पास हुए हो, तो ऐसे कुछ फ्रेंड हो सकते हैं जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत आए, लेकिन जब सीखना स्टार्ट कर दिया है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चाहे कैसे भी पास हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले, लेकिन अब सब कुछ सीख सकते हैं अच्छे से। तो बोलो 41 और 10 कितना होगा? बोलो आप सभी, यहाँ पर तो क्या आया? 51। आगे चिन्ह बोलिए, आगे क्या आया? प्लस। चल करना आता है क्या?
दो तीन दिया नौ बीच में चिन्ह पांच एकम पांच तीन पंद्रह तो बोलो नौ और पांच कितना होता है बता सकते हो नौ और पांच क्या होता है तो बोलो इक्यावन प्लस चौदह बटा पंद्रह भाग ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है बस इतना ही करना पड़ता है ये उत्तर आ गया उत्तर बोलो आ गया सबको समझ सबको आ गया ना ठीक है अब जो मैंने पढ़ाया है उनको और भी जल्दी कैसे करें समझना जो अब तक पढ़ाया है इस टाइप के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो इनको और भी जल्दी कैसे किया जाए इस चीज के लिए आप एक पॉइंट डालिए जब आधार समान हो लिखे सभी जब आधार समान हो जब आधार समान जब आधार समान ठीक है सभी ने तो ध्यान देना सभी अब तो दो तरह की क्वेश्चन पढ़े हमने साधारण बिन के और मिश्रित बिन के उनको और भी जल्दी कैसे हल किया जाए ये देखना पर ये बताइए सबको तरीका समझ में आया कि नहीं आया सबको आ गया समझ में देखते रहना सभी और मुंह भी खोलते रहना मुंह बंद मत रखो ना ध्यान देना सभी चार बटा सात प्लस दो बटे सात आप ही बताइए आधार दोनों में नजर आ रहे है क्या आधार मतलब नीचे वाली चीज बोलो नीचे कितना आ रहा है सात यहाँ पर बोलिए सात आधार अलग है कि समान है ध्यान देना जब आधार समान हो ना तो आप डायरेक्ट क्या करो चार प्लस दो चार दो छह छह के बटा में सात उत्तर आ गया छह बटा सात जब आधार समान हो तो डायरेक्ट किया जाता है एक और बताना देखिए आप ग्यारह बटा पंद्रह प्लस दो बटे पंद्रह प्लस एक बटे पंद्रह सब बोलो सब में आधार अलग है कि समान है अलग है कि समान है हल करने का तरीका देखना ग्यारह दो ग्यारह दो तेरह एक चौदह बटा अच्छी उत्तर आ गया चौदह बटा एक मेरे सबको समझ आ गया क्या कर लो आपसे बहुत आसान लिख लिया होगा सभी ने तो अब देखना सभी सभी ध्यान देना ये मेथड कैसे जल्दी उत्तर ला सकते अपने एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन में समझना सभी जैसे आपके पास एग्जाम्पल आया पैतालीस बटा सैतालीस प्लस दो बटे सैतालीस प्लस पांच बटे सात अब ये एग्जाम्पल आ गया अब यदि आप लघु कम वगैरह लेके करोगे तो भी बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा लेकिन यदि आप जैसे मैंने बताया है उन मेथड से करोगे मात्र लास्ट दो सेकंड के अंदर आंसर और शायद अभी क्या होगा कुछ लोगों किस किस के आगे हाथ खड़े कर दस बीस स्टूडेंट्स के आ गया अब समझना देखो अब सब क्या जाएगा समझना सभी ये बताओ तीनों में आधार समान है कि दो में ही है दो में तो दो कॉल कर लो पहले अरे दो कॉल करना आता है क्या बताओ आधार समान है इक्वल करो पैतालीस से दो कितना होता है सैतालीस के बटा में सैतालीस और आगे चिन्ह बोलिए आगे बोलिए बोलो सैतालीस में सैतालीस का भाग दिया कितनी बार एक बार कितनी बार एक बार तो यहाँ पर कितना आ गया एक अब लिखाओ आप एक पांच बटा सात और ये तो आपने खूब पढ़ लिया बड़ा कि नहीं बड़ा आंसर बोलिए आप आया तुरंत आंसर पर देख के उत्तर बता सकते हो आप आगे सबको समझ में ठीक है अब एक एग्जांपल देखना उतारने की जरूरत नहीं है आप करके बता देना एक क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है आप खुद करके बता देना एक क्वेश्चन स्पीड बढ़िया आप लोगों की हाथों ढंग से बोला करो तुम से ये भी ढंग से नहीं है
हाँ बता सकते हो आप सभी, सब क्या गया ना? बोल दो उत्तर कितना है? दो सही, तीन सही, तीन बटा जिनके दो सही आया है कि तो उन्होंने भी सही है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा पहचानना भूल गए, तो ध्यान देना सर। एक बार और समझ लो, फिर एक एग्जाम्पल रोड देख लेना। सब बोलो आधार समान सभी में है कि दो में ही है? दो में है। कितने में है? दो में है। सामने सभी के। अब देखो इन दो भी नोकल करते हैं अपन, ध्यान देना। यहाँ पर तेरह है, यहाँ पर तेरह है, पच्चीस रे कितनों हो गया? छब्बीस। छब्बीस के बटा बोल दो तेरह, अरे छब्बीस बटा तेरह। आगे चिन्ह बोलो, आगे बोलो, बोलो तेरह एकम तेरह दूनी छब्बीस। यदि इसे कटे ना तो काटा जरूर करो आप। बोलो यहाँ पर कितना आ गया? दो। आगे चिन्ह बोलिए, आगे बोलो सात बटा चार। तो क्या ये कर दोगे दो सही सात बटा चार? दोगे क्या? क्योंकि भाग ही जा रहा है कि नहीं जा रहा? भाग ही जा रहा है, तो पहले भाग दीजिए। बोलो पहले कौन आया? दो। आगे चिन्ह बोलिए, चार एकम चार। कितना बचा? तीन। बटा में बोलो चार, दो एक तीन। उत्तर बोल दो तीन। अभी भी आया कि नहीं आया? अभी आया कि नहीं आया? एक और बताओगे आप? तो बता सकते हो आप? ठीक है, देखिए बताना और हाथ खड़े कर देना, जिनका भी आंसर आ जाए हाथ खड़े करना, सबका आना चाहिए उत्तर। ये कर लेना यहाँ पर ना, बीजी यूज नहीं करो आप, मत करो इसका बताना आप लोगों को। प्रश्न देख लेना सामने का, मत देख लेना पहले, मैंने अलग ही कहा था। प्रश्न देख लेना सभी, इसमें मैंने चेंज कर दिया था बीच में। आगे सभी के, चलो बताओ आंसर कितना है? एक सही तेरह बटा सत्रह। ध्यान देना, बोलो दोनों में आधार क्या रहा है? समान। तो बोलो सत्रह दो कितना होगा? उन्नीस। और उन्नीस के बटा में क्या आया? उन्नीस। और प्लस आगे बोल दो तेरह। बोलो उन्नीस में उन्नीस का भाग दिया कितनी बार? एक बार। उत्तर बता सकते हो आप? आगे भाग ही जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो आगे उत्तर बोल दो आप। एक सही तेरा बटा सत्रह। क्लियर है सभी के? सबके क्लियर है ना? ठीक है, तो ध्यान देना, अब समझना आप सभी। अब लास्ट के तीन एग्जाम्पल और करवा रहा हूँ आज की क्लास के, ध्यान देना। आज आपकी कैलकुलेशन की फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई है और आज की क्लास की तीन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में दो एग्जाम्पल आप लोगों को करना है और उत्तर आना चाहिए सबको, क्योंकि मैंने इस तरह से समझाया है कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। अब कोई जिद्दी हो उसकी अलग बात है, समझा के तो बताए एक बार, समझेंगे तो हम ही ना, ऐसे वाले भी होते हैं दो चार को ना, तो ध्यान देना सभी, सभी ध्यान देना। एक क्वेश्चन मेरे से समझना और कैसे बड़े एग्जाम पर आते हैं एग्जाम में, ये देखना। एग्जाम में आते हैं कुछ इस तरह से क्वेश्चन, सैतालीस सही ग्यारह बटा उन्नीस, सैतालीस सही ग्यारह बटा उन्नीस प्लस तेरह सही दो बटे उन्नीस प्लस दस सही, या और भी बड़ी संख्या लिख सकता है यहाँ पर, पंद्रह सही एक सौ पंद्रह सही कुछ भी लिख सकता है, पंद्रह सही सात बटा उन्नीस या फिर तीन बटा उन्नीस लिख दिया, ये क्वेश्चन आ गया। ध्यान देना आप सब, इसे हेल्प करते हैं, नजरे सामने, नजरे सबकी सामने है ना, खुद को नहीं करना है आप, तब क्या करो जब आपको दिया जाए। अब समझना, ये आप पर देखो इतनी बड़ी बड़ी बिन आएंगी और इन बिनों को, ये बैंक में भी आ सकती है, एसएससी में आ सकती है, रेलवे में आ सकती है, जो पिछली वैकेंसी रिट की हुई है रिट में भी पूछी गई है, डीएसएसबी की एग्जाम हुई है उनके अंदर भी पूछी गई है, पटवारी जैसी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिक मैथ है, सिलेबस में भिन्न लिखा हो चाहे न लिखा हो, लेकिन आ सकता है, तो ध्यान देना आप सभी। आपको मैंने बताया पहले बार की तरफ लेते हैं पूरी पूरी संख्याओं को, किसको लेते हैं? पूरी पूरी संख्याओं को।
पत्रों बोलो पहले बार कौन आया? आगे समझ में आप? आगे चिन्ह बोलिए, बोलिए आगे बता सकते हो आप? जो भी बच्चा बोली खाओ आप आपके पास दो क्वेश्चन बन गए समझना सभी। 47 में 13 जोड़ सकते हो क्या? जोड़ लो आराम से। जोड़ लिया तुमने? जोड़ लिया ना। तक कितना आया तो बता सकते हो आप? 47 और 13 कितना आया? सात। कोई और करना 60। ठीक है, 60 और 60 में कितना जोड़ोगे तो बता सकते हो आप? 60 और 15। 60 और 15 इधर तो आया पीछे इधर। और ये बताइए आप क्या स्कोर कर सकते हो क्या? सब में आधार क्या रहा है? 11 2 11 2 13 16 19 भाग ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आया कि नहीं आया? उत्तर बोल दो आप सभी। सबको आया कि नहीं आया? आगे सबको समझ में? ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं अपन जो एग्जाम में पूछते हैं। एग्जाम इसी तरह के एग्जाम में मिले आपको मिलेंगे एग्जाम में। आगे सबको समझ में? ठीक है, एक करके बताओ अब आप। यदि समझ में आया तो एक करके बताइए। 117 से 15/47 प्लस 113 से ही 10/47 प्लस 50 से ही 20/47 इसे करके बताइए आप। जोड़ने सवाल जोड़ने में गलती मत करना, आराम से जोड़ लेना। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और आएगा बस। आगे सभी के तो बता सकते हो आप? जिनके नहीं आया उनके लिए एक एग्जाम्पल और आएगा तो समझ लेना सभी। पर जोड़ना का जाना तो देखो अब आपको नॉर्मली थोड़ा बहुत तो कोशिश करनी पड़ेगी, बाकी पूरी मैथ आ जाएगी। तो बताना सभी पहले क्या लिखोगे? 117। आगे बोलो। ठीक है, ये कोते बंद कर दिया। आगे चिन बोलिए, जो पेड़ किसी लगा रहे ना उसे उठा उखाड़िए और फिर बोलिए। बोलिए आगे 15/47 एक एक चीज बोलो। और पहले क्या आया? आगे चिन बोलिए 20/47। अब ध्यान देना आप, इनका योग ही कर सकते हो क्या? योग करना आता है ना, ध्यान देना। यदि ऐसे डायरेक्ट नहीं किया जाए ना आप लोगों से तो ऐसे कर लिया करो। 117 113 50 ये तो आता होगा, ऐसे आराम से योग कर लिया करो, जरूरी नहीं है अब कैसे करें, ये तरीका लगाया करो आराम से जो पहले दूसरी क्लास में सीखा आप लोगों ने। तो ध्यान देना सभी, यहाँ पर इनका योग करेंगे तो एक तरीका और देखना। बोलो यहाँ पर 117 है तो कितना आ रहा है? 100। अरे कितना आ रहा है? 100 और 100 कितना हो गया? 200 और 50 कितना हो गया? 250। ठीक है, 250 आ गया। बोलो 17 और 13 योग कर सकते हो क्या? 17 और 3 कितना हो गया? 20। 20 से 10 30 कितना आया? 30। यहाँ पर 250 तो था ही और 300 और मिल गया, कितना आया? 280। एक ये तरीका है योग करने का, जो भी आपको बेस्ट लगे वो तरीका अप्लाई करो। 280। आगे चिन्ह बोलिए और यल करना आता है तो बताओ सब में आधार क्या रहा है? बोलो 15 और 10। अरे 15 10 बोलो 20 से 10। 20 से 10 30 और 15 45 के बटा में भाग ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो बता सकते हो क्या? आंसर बोल दो आप। 280 सही 45 बटा 47 अभी भी आया कि नहीं समझ में? आगे ना सबको समझ में। ठीक है, लास्ट एग्जांपल आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल करवा रहा हूँ। आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है और पेपर उठा के जाके देखना, काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए दिख जाएंगे जो आज पहली क्लास में आपने पढ़ा है उसमें से भी।
ध्यान देना, पूरी क्लासे आपको इसी तरह से करवाई जाएंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं की जाएगी, आराम से सीखना है समझना है। कि कोर्स ही आप बोर्ड पर नहीं होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए अपनी रफ कॉपी में, अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए बस खूब जमकर। आराम से धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है कि कोर्स एक महीने में पूरा हो, दो में हो, तीन में हो, साल भर में हो, बस आपको जब तक पूरे टॉपिक नहीं समझ में आएंगे तब तक अपन उसी लेवल के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो लास्ट आपका 3 से 4 महीने के बीच बीच में, या 4 महीने से 2-4 दिन ऊपर, 1 घंटे से ऊपर क्लास के साथ में आप अर्थमेटिक भी सीख जाओगे, एडवांस मैथ भी सीख जाओगे। चाहे अभी स्पीड कैसी भी हो, लेकिन बस आपको डेली कोई भी टारगेट जरूर मिलेगा, डेली के 50 से ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछ चुके हैं। वो वाले क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करोगे, हर चीज आपको समझ में आती रहेगी, मतलब जो भी टॉपिक लेंगे बिल्कुल परफेक्ट करके और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसी फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं करेंगे अपन कि लो बिन बता दी हो गया एक टॉपिक, आज बोर्ड मास बता दिया हो गया एक टॉपिक। तो यहाँ पर कोर्स सिर्फ बोर्ड पे नहीं करवाना, आप लोगों को समझ में आना चाहिए तभी कोर्स पूरा कंप्लीट माना जाता है। बस आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, रिपीट करना है, नोट्स जरूर बनाते रहना। आप देखो कोई भी क्लास लो तो आपके माइंड में ऐसे चलना चाहिए कि मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया, फिर दूसरे पर क्या पढ़ाया, तीसरे नंबर पर मैंने क्या बताया, फिर कौन सा क्वेश्चन आया, ऐसे आपके माइंड में खुद को चलना चाहिए सारी चीजें। इस तरह आपको याद रखना है, तब जाके आपको सब चीजें समझ में आने लग जाएंगी। एक लास्ट एग्जाम्पल आप करके बता देना, 13 सही 5 बटा 17 प्लस 7 सही 2 बटा 17 प्लस 10 सही 3 बटा 17 प्लस 5 सही 1 बटा 17, ये करके बता दीजिए आप, उत्तर कोई नहीं बोलेगा। बस मात्र 1 या 2 सेकंड में तो कई लोगों का आंसर आ जाता है, जिनके नहीं आ रहा टेंशन मत लेना, दूसरों से कंपेरिजन मत करना खुद को। आगे सभी के तो बता सकते हो आप, चलो बोल दो आंसर कितना है, 35 सही 11 बटा 17। हाथ खड़े गलत क्या है, पूरी क्लास क्या आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ ध्यान देना सभी, अब बताने एक बार लास्ट एग्जाम्पल है, किसी को भी नया हो सीख सकता है समझ सकता है, ध्यान देना। सब बोलो सबसे पहले कौन आएगा, आगे बोलो प्लस सी जो करना आता है क्या, बीच में चेने आगे बता सकते हो आप, बोलो साथ ही 35 प्लस आगे करना आता है क्या, क्योंकि तो सब में आधार क्या रहा है, 5 2 7 3 10 11 बटा 17 आया कि नहीं आया, उत्तर बोल दीजिए 35 सही 11 बटे 17 आया कि नहीं आया, आगे सबको समझ क्लियर है, आ सकता क्लियर है क्या, उम्मीद है सीखने की।